तो टोकन वगैरह ले लिया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के अंदर आप सबका वेलकम। तो आप सबके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने कमेंट्स आपके पढ़े, आपको जिन कमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मुझे अभी छुट्टी हुई है, हमारा एक लेक्चर बाकी है अभी 3 बजे, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन सेल जाऊँ और आपके जो क्वेश्चन हैं वो मैं आप सबके क्लियर करूँ। तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं शायद इस वीडियो में जो है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी करूँ, कुछ स्टूडेंट के आंसर करूँगा यहाँ पर, और कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है आप लोग पूरी देखते नहीं हो, फिर आप लोगों को मसले आते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लिया करो और एंड पर जो बात आपको समझ नहीं आती देन आप पूछा करो। तो सब्सक्राइब लाजमी करता हूँ चैनल को, मैं जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन से, तो जो आपके क्वेश्चन हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पर ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं मेरे लिए, क्योंकि कैमरे को एक साथ एक हाथ में पकड़ कर आपको हर जगह दिखाना, बोला फलां डिपार्टमेंट उस साइड पे है। काफ़ी सारे दोस्त कह रहे थे कि हमें ये वाली चीज़ दिखा दें, ये वाली चीज़ दिखा दें, तो यार मुश्किल है मेरे लिए यहाँ पर। अभी रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब मैं इस टाइप की वीडियो बनानी होती है थोड़ा साइड पर आ जाता हूँ, क्योंकि कोई बच्ची या गर्ल या कोई बच्चा जो है कैमरे में ना आ जाए, मतलब कोई होते हैं जो कैमरे में नहीं आना चाहते, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मैं जा रहा हूँ सीधा इन्फॉर्मेशन से। असल में मसले ये हैं यहाँ पर, कैमरा इधर उधर हो गया ना तो मेरी वाट लग जाती है। वाट इसलिए नहीं कि मुझे यूनिवर्सिटी वाले कुछ कहेंगे, इसलिए कि अगर किसी लड़की का कैमरा चला गया उसके घर वालों तक वीडियो पहुँच गई, कहेंगे कि भाई तुम तो यूनिवर्सिटी में घूम फिर रही हो, मेरे लिए मसले होंगे। ठीक है, तो अभी ये वाली जो जगह बहुत प्यारी है, काश मैं आपको दिखा सकता, इसका माहौल दिखा सकता, लेकिन नहीं दिखा सकता, तो जब तक जा रहा हूँ। ये वाला जो झंडा है इंडिपेंडेंस डे, बहुत ही प्यारा लग रहा है यूनिवर्सिटी के इस गेट पर, ये देखो ये जो है लगा हुआ, मतलब काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त लगता है इस साइड पर, और इस साइड पर भी काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है। बाकी मैं जा रहा हूँ बिल्कुल साथ ही है इन्फॉर्मेशन से, बाकी जो आपके कमेंट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह हुए ना वो मैं आपके साथ जो है बाद में जो है डिस्कस करता हूँ। वो सामने बस पॉइंट्स वगैरह हैं जहाँ पे फ्री टाइम के अंदर बॉयज़ गर्ल्स आकर बैठते हैं। या फिर जमे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही यार, सच्ची बताऊँ ना, प्लीज़ इंफॉर्मेशन सेल। ठीक है, यहाँ से सब कुछ इसी दरवाजे से हमने इंटर होना है, आपकी मालूमात पता करनी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अंदर, टोकन लेना पड़ता है, लाइन लगना पड़ता है, आपके लिए लाइन लग रहे हैं। टोकन वगैरह ले लिया, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए आवाज़ थोड़ी कम आएगी, गुजारा कर लेना। जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, अभी मैं इंफॉर्मेशन सेल बैठा हूँ, जो आपके क्वेश्चंस हैं आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, टोकन ले लिया तुम्हारा भाई, अभी लाइन लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर पूछते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं। तो मैंने क्वेश्चन जो है आपके पूछे हैं 2-3, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का एक्टिवेशन कोड का इशू था, तो एक्टिवेशन कोड के लिए अभी भी उन्होंने वही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स को एक्टिवेशन कोड अभी तक रिसीव नहीं हो रहे वो काइंडली सब्र रखें, उनको नंबर के ऊपर एक्टिवेशन कोड जो है रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और एक्टिवेशन कोड के साथ साथ अगर आपको यानी कि नंबर पर रिसीव नहीं होता तो आपको रिसीव होगा आपके ईमेल अकाउंट पर। आपने ये वाज़े तौर पर याद रखना है कि आपने जो जीमेल या ईमेल अकाउंट दिया है वो एक तो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ईमेल करेक्ट ना हुई, अगर आपको नंबर पर एक्टिवेशन कोड नहीं दिया गया तो आप फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एक्टिवेशन कोड जो है आ चुका है। उसके अलावा वो स्टूडेंट जो जैज़ से अप्लाई कर रहे हैं, जैज़ की सिम से एक्टिवेशन कोड रजिस्टर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जो है मैं एक्टिवेशन कोड नहीं रिसीव हुआ। तो एक्टिवेशन कोड के मसले से यही बात चल रही है कि अगर आप लोग जैज़ की सिम से कर रहे हो तो आपको रिसीव नहीं होगा। बाकी वो स्टूडेंट जिनको ईमेल रिसीव नहीं हो रही तो उनको फ़ोन नंबर पर बता दिया जाएगा, और वो स्टूडेंट्स जिनको नंबर पर रिसीव नहीं हो रहा मेल पर या मेल पर रिसीव नहीं हो रहा तो नंबर पर रिसीव हो जाएगा। चलते चलते यार गला सूख जाता है, पता नहीं इस साइड पर हमारा डिपार्टमेंट होता है फिर इंफॉर्मेशन से काफ़ी दूर हो जाता है।
डीएक्टिवेशन कोड के आपके अभी भी इशू जिन जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो वो काइंडली जो है अपना कमेंट्स कर दें कि किन किन स्टूडेंट्स का एक्टिवेशन कोड का इशू आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो वो मुझसे कहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्योंकि मेरे पास यूट्यूब चैनल है, तो वो कहते हैं कि हमें उन स्टूडेंट्स का नंबर दें जिनके एक्टिवेशन कोड का इशू आ रहा है। तो मेरे पास आपका नंबर भी नहीं है, मैं आपको कैसे अपना नंबर दूँगा, यानी कि आपका नंबर मेरे पास कैसे आएगा। तो आप लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते रहें इंफॉर्मेशन सेल से ना, तो जैसे ही आपके एक्टिवेशन कोड रिसीव हो जाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह तो हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा एक बहुत ही भाई है मेरे, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर इतने सारे मैसेजेस किए कि मतलब कि मैं एक तो तमाम दोस्तों को शुक्र गुज़ार हूँ कि वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यार सब्र भी रख लिया करो, ठीक है। सब्र इसलिए कि यार मैं खुद क्लासेस लेता हूँ, प्रैक्टिकल होते हैं, मेरी लैब होती है, उसके बाद आपकी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अथेंटिक सोर्स से आपकी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो इधर ही तो एक लड़की यानी कि आई के कहती आपने मेरी वीडियो बनाई है। मैंने कहा मैंने आपकी वीडियो कहाँ बनाई, मैंने उसको सारी वीडियोज़ दिखा दी। तो वो मतलब मेरे ऊपर गुस्सा होने लगी, आपने मेरी वीडियो बनाई, भाई मुझे क्या ज़रूरत है किसी की वीडियो बनाने की, मतलब मैं यही काम कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो बनाऊँगा। अफसोस है यार, 4 साल में हमने किसी एक मतलब लड़की की तरफ हम लोग हमारा किसी के साथ रिलेशन ही नहीं रहा, पूरे 4 साल होने वाले। सीधी बात बताऊँ तो सिंगल है भैया, ठीक है, बाकी सिंगल होना कोई बुरी बात नहीं है। हम ऐसे ही मतलब शरीफ से बंदे अपने काम से काम रखते हैं। बाकी वो मुझे इतना गुस्सा आया कि वो कह रहे कि तुमने मेरी तस्वीर बनाई। लो जी, मैंने कहा मैंने आपकी तस्वीर कहाँ बनाई यार। लड़की अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हो तो किसी को ऐसे ब्लेम मत कर दिया तो आप मेरी तस्वीर बनाई, मेरा ये किया, मेरा वो किया। कोई मतलब इज़्ज़तदार घराने से जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। हम लोग बलोच कौम से हैं और हम लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, तो उसका इशू चल रहा था कि वो कह रहा था कि BS 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हुए या नहीं हुए। यार अभी 2 ईयर प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन नहीं हुए। वो इतने सारे मैसेजेस कर रहा था और परेशान था काफ़ी। तो ये अगर वीडियो वो भाई आप देख रहे हो वीडियो, तो अभी 2 साल प्रोग्राम्स के अंदर आपका एडमिशन ओपन नहीं हुआ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्र रखें, जिस जब भी एडमिशन होंगे आप मेरे आपका मेरे पास इंस्टाग्राम, तो हम दोनों एक दूसरे को फॉलो कर दिया है हमने इंस्टाग्राम के ऊपर। आपने जब मुझे मैसेज किया था तो मैं आपके टोकन लेकर गया था। अभी ये सारे स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चन वगैरह जितने भी थे 20 से 25 क्वेश्चन मैंने सारे पूछे, तो उनको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी रिप्लाई कर दूँगा। अगर फिर भी उनको क्लियर नहीं हो तो मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब आपको अभी 2 साल में एडमिशन ओपन नहीं हुआ, अभी जस्ट 4 साल में ना MA MSc BA BSc इसमें कभी भी अभी एडमिशन ओपन नहीं हुआ, अभी जस्ट BS प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ओपन है। तो इसलिए सब्र रखें, जैसे बाकी प्रोग्राम्स के अंदर फिर BEd वगैरह में एडमिशन ओपन होगा या BS फिफ्थ सेमेस्टर में, मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। इंशाल्लाह अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, थैंक यू को दबा दें ताकि आप तक हर वीडियो देखें, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।